सो हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जीत। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम आए हैं रॉयल एनफील्ड के ओखला शोरूम पर और यहां पर हम वॉक अराउंड करने वाले हैं न्यू हिमालयन 452 का। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसका कंप्लीट वॉक अराउंड। तो स्किप किए बिना देखना वीडियो, ज़रूर अच्छा लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने जो खड़ी हुई है अभी हिमालयन 452। सबसे पहले चारों तरफ का एक वॉक अराउंड आप देख लीजिए और चारों तरफ से वॉक अराउंड आपको देखने के बाद एक ही चीज़ समझ आएगी कि 452 पूरी बाइक पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसका सिर्फ नाम हिमालयन है। 452 इसका इंजन का बताया गया है, पर जैसा कि प्रीवियस हिमालयन पर भी नंबर्स कहीं नहीं लिखे हुए थे, तो यहाँ भी आपको सिर्फ हिमालयन लिखा हुआ दिखाई देगा। और ओवरऑल एक वॉक अराउंड ये तो आपको दिखाई दे गया बाइक का चारों तरफ से। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले बाइक का फ्रंट लुक की बात करते हैं। तो ऊपर आपको एक कुछ इस 7-8 इंच का एक आपको शॉर्ट वाइज़र मिल जाता है। ये हल्का सा टिंटेड है, अगर आप देखें लाइट टिंटेड है। यहाँ आपको शेड दिख रही होगी इसका टिंट में कितना डिफरेंस है। राउंड आपको हेडलाइट मिलती है जिसमें लो बीम आपको यहाँ दिख जाती है। ये जब हम बाइक को ऑन करते हैं तो ये वाला DRL है नीचे का, लोअर ये आपका जलता रहता है। ये हाई बीम का अपर साइड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कुछ बाइक का फ्रंट लुक। सामने इग्निशन या बैटरी ऑन करते ही आपको लोअर जो बीम है ये DRL की तरह वर्क करती हुई दिख जाती हैं। कॉर्नर्स में DRL है और लो बीम भी आपको दिख जाएगी। साथ ही फिर यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दोनों साइड में। इसमें 3-3 LED आपको सामने देखने को मिलती है और ब्राइटनेस की बहुत अच्छी है। अभी मैंने हैजार्ड मोड ऑन किया हुआ है तो बाइक का कुछ इसी तरीके का लुक आएगा। फ्रंट पर आप अगर देखें तो ये मतलब इसमें स्पार्कल्स भी हैं और ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में आपको फ्रंट फेंडर मिल जाता है जो थोड़ा स्टर्डी भी है। मींस इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दे रखी है जैसे कि जल्दी से ये डैमेज ना हो। अंदर भी आपको एक शॉर्ट मडगार्ड मिल जाता है। बाइक के टायर्स की बात करते हैं तो इसमें अभी स्पोक व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी का कहना है कि इसमें जल्दी ही ट्यूबलेस टायर्स भी लॉन्च होगा। बाकी टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर 90-90-21 ये वाला 21 इंच का व्हील है और 90-90-21 का इसमें आपको C8 के टायर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ C8 के टायर्स हैं। शोवा के सस्पेंशन मिल जाते हैं और USD फॉक्स रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक में इसमें हिमालयन में दिए हैं। तो यहाँ पर फ्रंट से प्रोटेक्शन के लिए, जो फॉक को प्रोटेक्शन के लिए ये फ्रंट कवर्स भी दिए हैं, इन पर भी हिमालयन की ब्रांडिंग दी गई है। जो इसका डिस्क है वो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है। तो बाइक के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ डिस्क देखने को मिल जाता है ABS के साथ। डुअल ABS इसमें आता है और जैसे कि आप ये सारा देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही अब बात करते हैं बाइक के, ये तो फ्रंट लुक की आपने सारी बात कर ली, देख लिया। नाउ बात करते हैं इसके टैंक पोर्शन और साइड लुक की। तो साइड का कुछ ओवरऑल लुक ऐसा है, पुरानी हिमालयन से काफ़ी लो फील देता है ये। बट अगर आप यहाँ से देखें टैंक को तो काफ़ी ब्रॉड टैंक यहाँ से फील होता है। एक डैशबोर्ड व्यू जो आपको कुछ नज़र आएगा अगर आप बाइक पर बैठते हैं, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको नज़र आने वाला है। और बाइक का जैसा कि आप देख सकते हैं टोटली डिजिटल मीटर रॉयल एनफील्ड ने इस बार दिया है। इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इंडिकेटर्स को ऑफ़ कर देता हूँ तो जिस साइड का इंडिकेटर चल रहा होगा वही आपको ब्लिंक करते हुए यहाँ दिखेगा। और ये LED पैनल LED सेटअप पूरा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा बाइक स्टार्ट होगी तो, और यहाँ न्यूट्रल, गियर पोजीशन वगैरह, ओडोमीटर, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। मिरर्स की बात करते हैं, मिरर्स इसमें आपको राउंड ही मिल जाते हैं, राउंड मिरर, जो कि उम्मीद करते हैं चलते टाइम इसकी वाइब्रेशन काफ़ी कम होगी। मुझे ग्रिप्स की काफ़ी अच्छी लग रही हैं और हो सकता है मैं इसे अपनी होंडा की बाइक पर भी लगवा लूँ क्योंकि बहुत अच्छी ग्रिप आ रही है इसमें। और कुशनिंग भी अगर आप देखें, कुशनिंग बहुत अच्छी है। स्विच गियर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बहुत प्रीमियम फील देते हैं। यहाँ पर आपको स्विच के ऊपर भी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी स्मूथ है, आप हल्का सा मीन्स बहुत हल्के से आप इसे कर सकते हैं टॉगल। और यहाँ आपको हाई बीम, लो बीम में और पासिंग में करने के लिए ये वाला टॉगल स्विच मिल जाता है। हॉर्न यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का साउंड मिलता है हॉर्न, और ये जॉयस्टिक मिल जाता है। इस जॉयस्टिक को आप अगर करते हैं तो आपको यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका ट्रिफ, ये अगर आप यहाँ पर आपको एक होम बटन मिलता है, इसको प्रेस करते ही जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टॉगलिंग ये टॉगल करना शुरू करता हूँ तो होम बटन को प्रेस करते ही यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। इस तरीके से आप होम पर रिटर्न हो जाएंगे। तो ये था पूरा डिस्प्ले मीटर का, पूरा कंट्रोल्स यहाँ दिया है जॉयस्टिक के साथ। और राइट साइड
की बात करें तो यहाँ पर आपको मोड सेलेक्ट करने को मिल जाता है, एम वाला बटन। मोड्स स्टार्ट आपको यहीं से मिल जाएगा कि इंजन किल स्विच में इंटीग्रेटेड स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट का भी स्विच है। और टॉप साइड में यहाँ पर आप देखें तो ये आपको हैजार्ड का स्विच मिल जाता है, जैसे कि यहाँ से प्रेस करते ही आप देख सकते हैं हैजार्ड ऑन हो गया और दोबारा प्रेस करने पर हैजार्ड ऑफ हो जाता है। और यहीं पर आपको डिस्क का भी जो रिजर्व ब्रेक ऑयल है वो आपको रिजर्वायर यहाँ मिल जाता है। हैंडल रॉयल एनफील्ड ने इसमें वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए काफ़ी अच्छा दिया है। जैसा मेरी CB200X में आपने देखा होगा सेंटर पोर्शन काफ़ी थिक है और एजेस में जाते जाते रॉड पतली हो जाती है, जो कि शायद आपको काफ़ी व्लॉगर्स ने नहीं बताया होगा। तो इसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत रिड्यूस हो जाता है, जो हैंडल का वाइब्रेशन होता है वो मोस्टली ADV बाइक्स में ही आता है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको शोभा के USD फोक्स मिल जाते हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड में सेकेंड टाइम आया है। इससे पहले आपको सुपर मीटियोर में भी रॉयल एनफील्ड ने शोभा के सस्पेंशन दिए हैं, बट दिस टाइम अगेन रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में भी शोभा के सस्पेंशन दिए हैं। टैंक भी आप देख चुके हैं, टैंक की कैपेसिटी भी अच्छी है। और यहाँ ये साइड पोर्शन आपको 452cc का इंजन मिल जाता है। इसके एग्जैक्ट फिगर्स के लिए भी हम रेफ़र करेंगे इनके ब्रोशर को। और यहाँ आपको ओपन चेन सिस्टम दिख जाता है ओरिंग्स वाला, जो कि आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है ऑफ रोड्स, ऑन रोड्स, हाईवे, टूरिंग में। स्प्रॉकेट साइज़ बहुत ही बड़ा है पहले से भी इन। और अगर बात करें इसमें आपको साइड स्टैंड जो है पहले से ज़्यादा बेटर मिलता है, लॉन्ग साइड स्टैंड मिल जाता है। और यहाँ साइड स्टैंड में अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो इस बार रॉयल एनफील्ड ने मेटल का ये अलॉय कास्टेड साइड स्टैंड यूज़ किया है, और मेन स्टैंड बहुत अच्छी जगह पोजीशन पर दिया गया है, जिससे कि आप अगर बाइक पर बैठे हैं तो ज़रा सा बस पायर साइड से इंस्टेंटली आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो पोजीशनिंग बहुत अच्छी दी गई है। ऑल अगर आप लोअर पोर्शंस की बात करें तो लोअर पोर्शन सारे ऑल मैट ब्लैक आते हैं। और रियर टायर की बात करें तो रियर टायर का साइज़ आपको देखने को मिल जाता है 140/80/17 इंच में। ये भी C8 का टायर मिलता है आपको, रेडियल टायर है बट ट्यूबलेस नहीं है। रिम बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं गोल्डन ग्लॉस में। ये आपको स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं गोल्डन ग्लॉस में, और टेल लाइट जो है आपकी वो इंडिकेटर्स में इंटीग्रेटेड है। बाकी अगर आप देखें ये ब्रेक प्रेस करने पर यही इसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है, और इसी के सेंटर पोर्शंस में आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। तो जब आप इंडिकेटर ऑन करते हैं कुछ इस तरीके का लुक आपको बाइक का देखने को मिलता है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसका साइज़ कुछ इतना है आप अगर कंपेयर करें मेरे हाथ से, और रियर इंडिकेटर आगे वाले इंडिकेटर से बड़ा है बिकॉज इसमें आपको इंटीग्रेटेड टेल लैम्प मिल जाता है। बाइक का लेफ्ट साइड पोर्शन आप पूरा देख ही चुके हो, अब बात करते हैं राइट साइड पोर्शन की। तो राइट साइड पोर्शन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, इंजन तो आपको देखने को मिलता ही है। बाकी यहाँ पर आपको बैंड पाइप जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलता है, मेटल का, आई गेस ये टाइटेनियम मेटल दिया गया है। और यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, नीचे यहाँ क्लिप दी गई है, इस पर क्लैंप है। और एग्जॉस्ट बहुत ही थिन एग्जॉस्ट इस पर रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड किया है। बिल्ड क्वालिटी हर पार्ट की फिनिशिंग बहुत प्रीमियम देखने को मिल जाती है। ऑफ रोड वाले आपको यहाँ पर फुट पैग्स मिल जाते हैं, जो आप इसको ऑफ रोड में भी यूज़ कर सकते हैं रबर को रिमूव करके। सेम ब्रेकिंग भी आपको ग्रिप वाली ब्रेकिंग मिल जाती है। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ अगर मैं आपको बताऊं इस बाइक में जो मुझे बहुत ही खास लगा, वो एग्जॉस्ट अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ होने की वजह से, जैसे कि पिक्चर्स में ये नहीं दिख रहा था कि इतना थिन हो सकता है, पर आप गैस करो ये सिर्फ इतना, मेरी हाफ फिंगर के बराबर सिर्फ इतना पतला एग्जॉस्ट रॉयल एनफील्ड ने दिया है, जो कि देखने में आपको ना के बराबर वाली फील देगा। और अगर आप इसका साइज़ कंपेयर करें तो जो हमारा देसी भाषा में एक ब्लान वाला साइज़ है, ये सिर्फ इतना बड़ा एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है। इंजन प्लेट, सॉरी आपकी जो साइलेंसर प्लेट है, साइलेंसर कवर बहुत ही प्रीमियम, ये भी एक थोड़ा ब्राउनिश सिल्वर कलर आपको इसमें मिल जाता है, मैट ब्राउनिश सिल्वर है, पर मुझे एग्जॉस्ट बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स रॉयल एनफील्ड की बाइक में इस तरीके का एग्जॉस्ट, मतलब वाह। आपको बाकी सस्पेंशन वगैरह आप सारा देख ही सकते हैं कि सस्पेंशन रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी अच्छी जगह प्लेस किया है, जिसकी वजह से बाइक का ऑफ रोड परफॉर्मेंस तो अल्टीमेट होने वाली है। और यहाँ पर आपको अंडर सीट, यहाँ पर सीट ओपन करने के लिए की मिल जाती है। तो कुछ ये था बाइक का एक ओवरऑल लुक, हर पार्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है। बाकी जो एग्जैक्ट इसके टेक्निकल स्पेक्स हैं उनको हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये था एक टोटली वॉक अराउंड था जो मैं आपको इस बार वीडियो में दिखाना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बट वन लास्ट थिंग, बाइक का एग्जॉस्ट नोट आप सुन लीजिए।
तो कुछ ये है बाइक का एग्जॉस्ट नोट, बहुत अच्छा थंप आ रहा है इसमें, तो वेट कर रहा हूँ जल्दी से इसका टेस्ट राइड हमें मिले और फिर इसका एक टेस्ट राइड रिव्यू भी हम अपने वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे। ये था कंप्लीट वॉक अराउंड रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 का। आई होप आपको सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। टेस्ट राइड के टाइम हम इसके टेक्निकल स्पेक्स की भी बात करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। जल्दी बाइक की डिलीवरीज शुरू होने वाली हैं, कुछ लोगों को डिलीवरीज मिल भी चुकी हैं, तो टेस्ट राइड्स वगैरह या बाइक का रिव्यू आप वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर भी हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे बाइक्स के रिव्यूज़ भी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग JS Extreme।